आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि यदि ए है ना समुच्चय है जिसके अवयव है -1, -2, -1 और 2, ठीक है। एक समुच्चय बी है जिसके अवयव है 1, 2, 3 और हमें संबंध दिया गया है ना, ये क्या समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है संबंध, जिसका अवयव क्या होगा क्रमित युग्म में, और क्रमित युग्म का पृथक घटक एक्स है और द्वितीय घटक वाई है, जहाँ पे एक्स जो है समुच्चय ए से लिया गया है और वाई जो है समुच्चय बी से लिया गया है, और इनमें संबंध ये है कि एक्स धन वाई दोनों का योग क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो संबंध आर का तीर चित्र बनाएं और आर का प्रांत तथा परिसर बताएं। तो देखिए ये दोनों हमारे समुच्चय दिए गए हैं और जो संबंध है वो देख लीजिए आप, संबंध ये है कि x धन y बराबर क्या है 0, तो हम ये बोल सकते हैं कि y बराबर क्या होगा -x, ठीक है। y बराबर क्या होगा -x, तो अगर आप देखें यहाँ पे अगर मैं x बराबर क्या लूँ -1 है ना, तो y बराबर क्या होगा -x, मतलब माइनस ऑफ -1 जो कि आएगा +1, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे देखें x बराबर -2 लूँ, x बराबर -2 तो y बराबर क्या आ जाएगा, देखिए -2 मतलब 2, ठीक। x बराबर अगर हम लें क्या 1, ठीक है, x बराबर 1 लें तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 है ना, और अंत में x बराबर 2 लें तो x बराबर अगर 2 लेते हैं तो y बराबर आ जाएगा -2। तो लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि -1 और -2 है ना, -1 और -2 हमारे समुच्चय बी में उपस्थित हैं क्या, नहीं है, हमारे बी में उपस्थित नहीं है, ठीक है, यहाँ पे उपस्थित नहीं है -1 -2, इसलिए जो हमारा जो संबंध बनेगा है ना, इसलिए जो हमारा संबंध बनेगा ये कुछ इस प्रकार होगा, केवल इन तीनों अवयवों के लिए बनेगा, -1, -2 और 1 के लिए, ठीक है। तो -1 का क्या आता है, देखिए 1, ठीक, -2 के लिए आया है अपने पास 2, और बस इन्हीं दोनों के लिए बना है ना। तो ये जो है ये हमारा क्या है संबंध है, इसे हम तीर चित्र द्वारा बना लेते हैं। चलिए ये हमारा समुच्चय ए है, ये हमारा समुच्चय बी है, इसमें क्या क्या था, इसमें -1 था -2 था 1 था और 2 था, ठीक है। इसमें समुच्चय बी में क्या था, देखिए इसमें 1 2 3 1 2 और 3, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर हम x बराबर -1 लें है ना, तो इसका प्रतिबिंब 1 पर बनता है इस प्रकार, अगर -2 लें तो 2 पर बनता है, और अगर 1 लें तो -1 आता है, तो यहाँ -1 है नहीं इसलिए इसका प्रतिबिंब नहीं है, और 2 का भी प्रतिबिंब नहीं, क्योंकि 2 लेने से -2 आता है और समुच्चय b में -2 है नहीं। तो ये है हमारा तीर आरेख संबंध का, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बताना, प्रांत और परिसर बताना है। तो देखिए प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत जहाँ से तीर निकलता है ना वो प्रांत में आता है, ठीक है, अर्थात -1 और -2 हमारे प्रांत में आएंगे, और परास में क्या आएगा, परास या परिसर, तो इसमें देखिए क्या आएगा, इसमें देखिए 1 और 2 आ जाएगा, तो 1 और 2 ये हमारा परास है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ये हमारा तीर चित्र हो गया, ये प्रांत और ये परास। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।